اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واحلل عقده من لساني يفقه قولي <coughs> प्यारे भाई हो इमाम बुखारी रहमोल्ला अपनी किताब सही बुखारी में इमामबिन खुजैमा रहमल् अपनी किताब सही अबिन खुजैमा में इमाम हिब्बान रहमोल्ल् अपनी किताब सही हिब्बान में और दीगर मुहदसिन इस वाक़े को नकल करते हैं माई आयशर रजील् ताल का बयान है कि अरब के किसी कबीले की एक काली लौंडी एक काली लौंडी आ करके मुसलमान हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मस्जिद ही में एक खेमा लगा दिया जिसमें वो रहा करती थी और कभी कभार वो मेरे पास आती और बैठती और काफी देर तक बातें करती लेकिन एक अजीब बात हमने ये देखी कि जब वो मेरे पास आती और बैठती तो एक शेर पढ़ती दो मिसरा पढ़ती वो कहती व विशाही मिन अजीब रबीना विशाही मिन अजीब रबीना अला इन नहू मिल बल दतिल कुमल विशाह विशाह पट्टा विशाह कहते हैं असल में एक चौड़ा सा पट्टा खूबसूरती के लिए कभी कमर में बांधी बांधती हैं औरतें कभी जो है वो गले में कभी यानी गोया की एक खूबसूरत सा पट्टा होता है जो थोड़ा सा चौड़ा होता है तो वह विशाही आम तौर पर उसको कमरबंद कहते हैं तो यौमल विशाही वेश का जो दिन है जो उस दिन वाक़ पेश आया जिस दिन वेशाह गुम हो गया था वे मेरे रब की अजायब कुदरत के इजहार का दिन था वो मेरे रब की अजायब कुदरत के इजहार का दिन था वो अजायब कुदरत क्या है कि उसी दिन अल्लाह तबारक तआला ने मुझे कुफर के और शहर कुफरे से निजात दी यानी आकर के मुसलमान हो गई तुम्हारी तो आयशा रजील्ला फरमाती हैं कि हमने एक दिन सुना दो दिन सुना फिर हमने उससे पूछा कि आखिर यमलविशा है क्या उसमें अल्लाह ताला की कौन सी अल्लाह के अजायब कुदरत क्या इसे इजहार हुआ था तो बयान करने लगी कि मैं उस कबीले में रहती थी लेकिन लोगों ने मुझे आजाद कर दिया था जब आजाद कर दिया तो इधर उधर जाने के बजाय मैं उन्हीं के दरमियान रहने लगी इसी दरमियान में मैं एक जगह पर मौजूद थी तो एक जवान लड़की एक खूबसूरत सा पट्टा कमरबंद वेशा पहन करके आती है नहाने के लिए गुस्ल करने के लिए उसकी शादी का वक्त था वो शायद शादी के लिए नहाने और तैयारी करने के लिए आ रही हो तो उसने अपना जो कमरबंद है उसे वहीं ऊपर रख दिया और नहाने के लिए चली गई इतने में एक चील उधर से उड़ता हुआ आया तो चूंकि ये सुरख था चील ने समझा कि यह गोश्त का टुकड़ा कोई पड़ा है लिहाजा चील आई कहा कि हमने देखा नहीं है चील आई और उड़ा करके लेकर के चली गई जब चील उड़ा करके लेकर के चली गई और जब वो गुस्ल खाने से बाहर आती है तो मुझे वहां पर पाया और अपना उसका पट्टा जो था उसका कमरबंद गायब मिला अब जाहिर बात है इल्जाम किसके ऊपर आएगा कोई दूसरा वहां पर नहीं है उसने मुझे, मुझे मुत्तहम किया कि ये पट्टा ये कमरबंद तुमने ही लिया है किसी और ने नहीं लिया है मैं इनकार करती रही अपनी सफाई देती रही लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं इतने में कुछ लोग भी आ गए अब लोगों ने मुझे चूंकि मुत्तहम किया था लिहाजा मेरी तलाशी लेने शुरू की जब मेरे जिस्म की तलाशी ले ली कहीं नहीं मिला तो उन लोगों को मेरे ऊपर इतना बड़ा शुभा था कि उन्होंने मेरी शर्मगा खोल करके उसका उसको तलाश किया कहा कि मुझे इससे बड़ी तकलीफ पहुंची और सख्त में उलझन की शिकार हुई कि मैं करूं क्या अब मैं हर हालत में चोर हूं नहीं मिला मेरे पास फिर भी मुझे चोर कह रहे हैं लोग कहा उसी वक्त हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला तू जानता है कि मैं इस इल्जाम से बरी हूं जो इल्जाम ये लोग मेरे ऊपर लगा रहे हैं मैं इस इल्जाम से बरी हूं अरे अल्लाह तबारक वाली तू हर चीज पर कादिर है इनके सामने मेरी बरात वाहिर कर दे वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं बहुत तकलीफ देंगे बयान करती है कि अभी वो लोग मेरे पास ही थे कि इतने में एक चील आता है और जब फैला में उनके सर पर हुआ तो उसने वही पट्टा नीचे गिरा दिया और पट्टा पट्टा नीचे आ गया जब नीचे आ गया तो लोगों ने उसे उठाकर देखा तो यही पट्टा है जिसे वो लोग समझ रहे थे चुनाचे हमने उनसे कहा कि ये देखो यही वो चीज है जिसके जरिए से तुमने हमें मुत्तहम किया था लेकिन अल्लाह तबारक वाला ने मुझे बरी कर दिया मुझे साफ साफ बचा लिया लिहाजा अब मैं इस जगह पर तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती चुनानचे उसने वहाँ से हिजरत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई इस्लाम कबूल किया और आपके साथ रहने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुनासिब जगह नहीं मिली तो उसके लिए मस्जिद ही में मस्जिद के सहन ही में आपने उसके लिए एक खेमा लगवा दिया जिसमें वो रहा करती थी और जब उसे फुर्सत मिलती या मुझे फुर्सत मिलती तो चूंकि मेरा घर भी मस्जिद से लगा हुआ था वो मेरे पास आती और बैठती और फिर यही शेर पढ़ती व यो मल बिशाही अला बल दतरी अनजानी साथियों एक किस्सा है और अजीब सा किस्सा है और अगर हम गौर करें तो इस किस्म के वाकयात हर माहौल में पेश आते हैं अगर हम और आप इबरत की नजर रखें तो हमारे और आपके सामने भी ऐसे अजीब और गरीब बहुत से हादसा पेश आते हैं लेकिन फर्क यह है कि हम और आप उससे सबक नहीं लेते तो हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए उस पर हम गौर करें पहला सबक हमें इससे मिलता है कि जिसके लिए रिहाइश का इंतजाम ना हो उसके लिए यह जायज है कि मस्जिद में रिहाइश रखे और सोए खा मर्द हो या औरत हमारे यहां मर्दों के हद हाँ तक तो इसको लोग जाए समझते हैं लेकिन औरतों के हद हाँ तक नहीं नहीं। खा मर्द है या औरत है बल्कि इस हदीस सही से जो बुखारी सही बुखारी में है उससे तो यहां तक पता चलता है कि मस्जिद के सहन में अगर नमाजियों को उससे उलझन परेशानी और रुकावट नहीं हो रही है तो जगह भी मखसूस की जा सकती वहां पर खेमा भी लगाया जा सकता है और हमारे यहां यह तो है ही कि मस्जिद से मिला करके एक आध कमरा बन जाता है इसमें मेहमान लोग आकर के ठहरा करते हैं तो यह चीज जायज है दूसरी बात यह इस पर तवज्जो कम लोग देते हैं जिस इंसान को किसी शहर में किसी गांव में किसी इलाके में आजमाइश का सामना करना पड़े परेशानियों का सामना करना पड़े वहां उसके लिए दीनी तौर पर रहना दुशवार हो जाए तो शहर को छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो जाना चाहिए जैसा कि इस लौंडी को जब यह आजमाइश हुई मुश्किल पेश आई तो उसने शहर को छोड़ दिया और वहां से मुंकिल होकर के नबी ख़िदमत में आई अल्लाह तरशादर फैयाबून अरे बंदो याद रखो जो ए, 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 बंदो जो ईमान लाए हो मेरी जमीन बड़ी कुशादा है लिहाजा अगर तुम्हें अपनी इबादत के सिलसिले में अपने अखलाक के सिलसिले में अपने बच्चों माल और औलाद की तरबियत तो है, की बताए हिफाजत के सिलसिले में अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो तुम्हें वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यहाँ तो मेरा घर है वहाँ जाऊँगा कहाँ हमको घर मिलेगा यहाँ तो मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ जाऊँगा तो कहाँ रिश्तेदार मिलेंगे नहीं सबसे अहम चीज़ क्या है अपने दीन और अखलाक की हिफाजत है तीसरी बात और इसके ऊपर अमल करके देखें मजलूम की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है अगर अगरचे मजलूम काफिर ही क्यों ना हो अल्लाह दबारक वाली रब्बुल आलमीन है उसकी रुबूबियत का माना यह है कि उसकी रुबूबियत हर एक के लिए आम है मोमिन के लिए भी काफिर के लिए वो काफिर को भी रोजी देता है मोमिन को भी रोजी देता है वो काफिर को भी सेहत देता है मोमिन को भी सेहत देता है वो काफिर को भी तिजारत करने का मौका देता है मोमिन को भी देता है अल्लाह की ऐसे ही अल्लाह तबारक वाल मोमिन की भी दुआ कबूल करता है और काफिर की भी दुआ कबूल करता है अमय जीबुल दादा खास तौर तो पर अगर काफिर मुजतर और मजलूम है तो अल्लाह तला उसकी दुआ कबूल जरूर करता है अम्म यूजीबुल मुतर्राई दादा परेशान हाल की दुआ कौन कबूल करता है अगर उसे दुआए वजुसू और परेशानी को दूर कर देता है यह कौन है अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई दूसरा महबूद भी है कतान नहीं अभी करीम सलम की हदीत है, है।

इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर हमें और आप को मظلوم की दुआ से बचने के की जिससे की दुआ सिखलाई चुनान के सुनन सही वगैरह में महरते अब्दुल इब्ने चरगस बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यताअवदु मिन وعثائ السفر وكآبت المنقلب ولحور بعد الكور ودعوه المظلوم وسوء المنظر नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर करते थे तो सफर में सफर की परेशानी से सफर में कोई बुरी सूरत हाल पेश आने से सफर में हौर बादल कौर यानी नेकी के बाद बुराई काम करने से सफर में लोग बहुत से ऐसे बुरे काम करते हैं जो हालत अखामत में नहीं करते मजलूब और मजलूम की बद्दुआ से भी अपना मांगा करते थे चौथा फायदा इंसान को चाहिए कि मसाहब से परेशान ना हो बल्कि सब्र और शुक्र से काम ले क्यों साथियों इसलिए कि बसा औकात एक छोटी मुसीबत बहुत बड़े खैर का सबब बन जाया करती है और यह हमेशा हर एक की जिंदगी में है किसी के सामने वादे के सामने वादे नहीं हो आप जरा गौर करें आपको बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। मिसाल दूं मैं आज से चंद्र साल पहले साल पंद्रह बीस साल हुआ होगा दिल्ली से सऊदिया एयरलाइंस का एक जहाज उड़ता है और आधे घंटे में क्राश होकर के गिर जिसमें सवार थे वो सारे लोग मर जाया करते उसमें बाद लोग ऐसे थे जो एयरपोर्ट पर आए उनका वीजा खत्म हो रहा था और रोते हुए वापस जा रहे थे लेकिन जब ये खबर आई तो अल्लाह ताला का शुक्र मना लगे कि अच्छा हुआ कि हम भाई उसमें नहीं थे ऐसे कितने ऐसे हादसा पेश आते हैं तो अगर किसी हमारे साथ कोई ऐसी परेशानी है और हम अल्लाह के लिए साबिर हैं और हमें सब्र करना चाहिए तो हमें क्या मालूम कि अल्लाह तबारा व तआला ने इसके बाद कोई बड़ी मुसीबत रखी जिसे अल्लाह ने हमें बचा लिया खा हमारी नजर में वो कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों न हो हमारा एक भाई है उसके किसी नौजवान बच्चे का इंतकाल हो गया बात, ये दिल के ऊपर बहुत भारी चीज है लेकिन एक मोमिन जो आखिरत पर ईमान रखता है उसे सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए इसी में बेहतरी रखी है वो ना रहे हमारे साथ क्यों कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बुढ़ापे में ये दुआ करते हैं काश के बच्चा जवानी में मर गया होता आज मुझे ये मुंह नहीं देखने पड़ते है नहीं सही ऐसा होता है बहुत से ऐसे लोग तो कहने का मतलब यह है कि इंसान के ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो वो सब्र से काम ले अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो और ये समझे कि अल्लाह तबारक वाली ने मेरे लिए खैर इसी में रखी पांचवा फायदा साथियों शायद जैसा कि हाफिम हजर ने इशारा किया ये वही लौंडी है जो लौंडी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं पाया कि वो मौजूद नहीं एक दिन देखा नहीं दो दिन देखा है कोई दूसरी भी हो सकती लेकिन हो सकता है यही हो एक दिन देखा दो दिन देखा जब आप देखते हैं कि वो लौंडी नहीं है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बहनें मस्जिद की ख़िदमत से हाजिज ना रहें उन्हें अगर मौका मिले तो मस्जिद की ख़िदमत ज़रूर करें उसके लिए बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं मस्जिद की ख़िदमत के लिए झाड़ू का इंतज़ाम कर दें खुद अगर ऐसे इलाके में है नहीं है वहां पर झाड़ू ख़ुद भी लगा दें या किसी को पैसे पर झाड़ू पर रख ले किसी को दे दे अरे आज मस्जिद बहुत गंदी है लो दस रियाल पांच, पांच, दस रुपए पांच रुपए बीस पच्चीस पचास खैर आज तो दस पांच रुपए कोई अहमियत ही नहीं है लेकिन यह है कि कुछ भी हो झाड़ू लगा दिया करो यानी कोई भी सूरत हो तो आप वसल्लम की मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी अचानक गायब रही आपने पूछा कहां गई वो तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल उसका इंतकाल हो गया था रात में इसलिए हमने उसे आपको बताया नहीं उसे दफन कर दिया आपने कहा मुझे बताया कि नहीं तुमने ये आपका तबाजो देखिए और लोगों का कितना ध्यान रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा मुझे उसकी कब्र पर ले चलो चुनाचे आप सल्लाम उसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और उसके लिए किन वादी जनाजा कब्र पर पड़ी तो हो सकता है कि ये वही लाउंडियो छठी चीज इस पर भी गौर करना चाहिए और बहुत से लोग धोखे में आ जाते हैं आज जो मजारों पर बैठे हैं कब्रों पर बैठे हैं ये हैं गैर मुस्लिम है उनसे बाद अजीब और गरीब चीजें पेश आती हैं तो बहुत से लोग जो जाहिल है समझ जाते हैं कि अरे ये तो पहुंचे हुए फकीर है ये ये इनका तो बहुत बड़ा मकाम है हालांकि ये नहीं मालूम है कि ये उनके लिए आजमाइश हो सकती है अजीब और गरीब चीज़ें जो होती हैं काफिर और फासिक से भी जाहिर हो सकती है इस औरत की दुआ अल्लाह ने जो कबूल की अजीब गरीब चीज तो थी ना कि दोबारा एक ऐसी चीज जिसको चील लेकर चाह चुके और फिर वहीं पर लाकर गिरा दे बगैर अल्लाह की कुदरत की है मुमकिन नहीं हम कहेंगे अजीब ये तो अचानक है अचानक ऐसे कोई चीज नहीं तो बगैर अल्लाह ताला के इशारे के उसकी कुदरत के अचानक अल्लाह क्या कोई चीज अचानक नहीं हमारे आपकी नदी का अचानक हो जाएगा तो अल्लाह तबारा व तआला काफिर और फासिक को भी बतौर आदमाइश के अजीब व गरीब चीज़ों से तसरुफा से हालात से अल्लाह ताला नवाजता है जैसे दज्जाल होगा तो इसको भी समझना चाहिए खैर साथियों मसले तो बहुत हैं लंब, बात लंबी करना चाहें लेकिन इकसार के साथ नबी सल्लल्लाहु का खुल्क करीम देखिए आप कि आप गरीबों का कमजोरों का किस कदर एहतमाम करते थे हमारी आप तरह कोई दूसरा होता क्या भाई मेरे पास जगह नहीं है देख लो तुम जाकर ढूंढ तलाश कर लो लेकिन नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और काली और लौंडी ये भी नहीं कोई मुजाहिद है पैसे वाला है ताकत वाला है खूबसूरत है बड़ा है जिहाद में उससे काम लेंगे हमारा हमारी खानदानी उसे किसी किस्म के आपको फायदे की उम्मीद नहीं है ये काली है यानी खानदान और लौंडी उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ ठहराया मस्जिद में उसके लिए जगह दी कोई मुनासिब जगह ना मिल सकी तो तभी तो हाली ने कहा है ना उन नबियों में रहमत लकब पाने वाला मुरादें गरीबों की बर लाने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला वो अपने पराये का गम खाने वाला फकीरों का मलजा ज़यीफों का मावा यतीमों का वाली गुलामों का मौला बहादुर ने इस हदीस से यह भी इस्तलाल किया है जबकि उसमें किसी किस्म की कमजोरी कि है लेकिन एक ही एक उसकी अहमियत है वो ये है कि वक्त जरूरत एक मसला है वक्त ज़रूरत औरत हालत है भी मस्जिद के अंदर ठहर सकती है इसलिए कि जाहिर बात वो है ना तुझे पेश तुआई ना तो आई होगी ना चीजें चीजें पेश आएंगी ऐसे हालात तो पेश आएंगे ना लेकिन यहां पर यह कहा जा सकता है हो सकता है कि वो लौटी थी आजाद ज़ाहिर बात जवानी में आजाद नहीं कर होता बूढ़ी हो रही हो गई हो यह भी हो सकता है लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है अल्लाह दबारा को वाली की नेमतों का जिक्र बतौर शुक्र के फख्र के नहीं बतौर शुक्र के बयान किया जा सकता है वह अम्मा बे नमत रबी का फहादल की नियमत बयान जैसे ये लौटी आती थी और रोज आना यह शेर फरती वही मलविशाही मिन तजी बेरोबीना मिन आजी बे रबीना अला इन निन बल्लफरे इस तरीके से साथियों इस बात पर गौर करें कि किसी को हिदायत देना यह किसी इंसान का अपना कमाल नहीं है यह किसी इंसान की अपनी खूबी नहीं है यह खालिस अल्लाह तबारक तआला का, का काम है कि जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो अल्लाह तबारक वाला उसके लिए असबा भी मुहैया कर देता है इसीलिए अल्लाह तबारक वाली से हिदायत तलब करनी चाहिए जिसका जी नमाज पढ़ने में नहीं लगता जिसका जी नमाज पढ़ता है नमाज में नहीं लगता जिसका जी दीनी मंजिश में हाजिर होने में नहीं लगता जिसका जी दीन सीखने में नहीं लगता यह उसकी अपनी कमजोरी है वो ये सोचे कि हम कितने बद आ, हम बदनसीब हैं कि अल्लाह ताला हमें ये तोफीक नहीं दे रहा आखिर क्यों आखिर ये तोफीक अल्लाह ने हमसे क्यों छीनी है रोए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं दुआएं करें कि अल्लाह ताला ने क्यों छीनी हमसे ये तोफीक जबकि हमारा दूसरा भाई हमसे कमजोर है हमसे कम माल वाला है उसकी सेहत हमसे कमजोर है लेकिन हमसे ज्यादा दीन की को सीखने और दीन पर अमल करने का एहतमाम करता है तो ये खादिश क्या है इसीलिए सही मुस्लिम में वो जो है जो कुदसी है अल्लाह ताला ने क्या फरमाता है अरा कुल्ला आदम के बेटो तुम सारे के सारे गुमराह हो तुम सारे के सारे गुमराह हो ये कि मैं उसको हिदायत दूं लिहाजा मुझसे हिदायत तलब करो फस्तहदूनी मुझसे हिदायत तलब करो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा इसीलिए तो अल्लाह ताला हम मुसलमानों को भी नमाजियों को भी हमारे ऊपर लाजिम करार दे रहा है कि हर नमाज में हम क्या ऐ अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की हिदायत साथियों बस एक बात और कह करके इबिला और आजमाइश वो किसी भी शक्ल में है वो किसी भी शक्ल में है ये अल्लाह तबारक तआला की एक सुन्नत है जिससे हर एक को सामना करना पड़ता है मोमिन को भी काफिर को भी काफिर पर भी आजमाइश आती है चाहे माल की हैसियत से है सेहत की हैसियत से है दुश्मन की हैसियत है किसी भी हैसियत से है ये अल्लाह ताला की आजमाइश है इन फलम कमाता अगर तुम्हें अजीज तकलीफ पहुंच रही है तो जैसे तुमको पहुंचे तो उनको भी पहुंचती लेकिन मोमिन और काफिर में फर्क क्या है यह समझ लें आप कि आपके अंदर ईमान है या कहीं हम किसी दूसरी तरफ तो नहीं जा रहे हैं मोमिन सब्र से और एहतिसब से काम लेता है सब्र करता है और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता है और काफिर शोर शराबा मचाता और हर नाजायज जायद और गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है यह मुसीबत रोजी की तंगी से भी हो सकती है नौकरी के जाने से भी हो सकती है बीमारी से भी हो सकती है एक्सीडेंट से भी किसी भी तरीके से हो सकती है ये नौकरी दुश्मन के हमारे ऊपर मुसलत होने की सूरत में भी हो सकती है लेकिन इसका यह माना नहीं कि इंसान मुसाइब को तलाश करे नहीं मसायब से हर हाल में बचने की कोशिश करनी है लेकिन उसके बावजूद अगर मुसीबत आ जाए तो हमें अल्लाह तबारक व ताली के लिए सब्र करना है और ये उम्मीद रखना है कि अल्लाह ताला हमें सब्र की तौफीक दे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको हर किस्म की मुसीबतों और परेशानियों से निजात दे और अगर किसी भाई को हमें, को हमें कोई मुसीबत परेशानी है तो अल्लाह ताला उसे सब्र और सब्रज़साब की तौफीक अता फरमाए व आलिकम व बरकातहू सामयन कराम हमारे इलमी और अवमी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ हों और अपने दोस्त व अहबाब के साथ भी शेयर करें ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की असलाह और आपके लिए सदकी जारिया बन जाए व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं याकूब अजीज़ जीरो जीरो नाइन डबल सिक्स फाइव जीरो एट नाइन फाइव नाइन सेवन जीरो सेवन व्हाट्सएप सवाल जो ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट उमरी जीरो जीरो नाइन डबल सिक्स फाइव जीरो टू सिक्स टू सेवन सिक्स डबल टू नंबर भेजते हुए नाम और पता जरूर लिखें इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की तला आपको फौरी हासिल हो जाए तमाम दुरुस्त मकालत और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इस्लामी दावा डॉट काम का मुशाह करते रहें